वेलकम बैक गाइस, अगेन इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस सम सिंपल सेंटेंसेस एज वी यूजुअल वी प्रैक्टिस हियर, सो वी विल प्रैक्टिस अगेन हियर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस और नेक्स्ट थिंग, आई वुड लाइक टू टेल यू दैट प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक, हिट द लाइक बटन ऑल्सो, so that you will get each and every notification, so you will never miss an update. Okay, so please subscribe and like. So let us start. किसको ice cream चाहिए? Who wants ice cream? Because अब यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि किसको चाहिए, कोई particular बंदा है, third person है, ना कि किसको चाहिए. तो किसको का मतलब हो जाता है कि who all want ice cream. ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक बंदे की कोई पर्टिकुलर की चीज़ कर रहा है जिसको, जो कि क्या है, काउंटेबल है, दैट इज़, इसलिए हमने क्या लगाया, बॉन्ड्स लगाया है. ठीक है, हु वॉन्ट्स आइसक्रीम. नेक्स्ट वाला देखते हैं, मैं किसके लिए वहाँ था, होम वॉज आई देयर फॉर, मतलब देयर फॉर किसके लिए वहाँ था, होम वॉज आई देयर फॉर. ठीक है, नेक्स्ट वाला देखते हैं यार, ये तस्वीर किसकी है, हुज, मतलब किसका, किसकी, किसके, किसका फ़ोन, किसकी फ़ोन, किसके कपड़े, किसके मोबाइल, किसका बैग, किसकी पेन. तो हम वहाँ पर यूज़ करते हैं कि हुज़ मतलब किसकी पेन, हुज़ पेन इज़ दिस, ये किसकी पेन है, हुज़ क्लोथ्स आर दिस, मतलब ये किसके कपड़े हैं, हुज़ पेन इज़ दिस, हुज़ बैग इज़ दिस, ये पेन किसका है, बैग किसका है. तो हुज़ का मतलब होता है किसकी, किसके, किसके. ठीक है, तो ये तस्वीर किसकी है, हुज़ इज़ दिस पेंटिंग. आई होप यू गॉट दिस पॉइंट कि हुज़ का क्या मतलब होता है. ठीक है, अब नेक्स्ट वाला देखते हैं यार, तुम ऐसा क्यों सोचते हो, व्हाट डू यू थिंक, सो का मतलब होता है इसलिए, अथा ऐसा इसलिए. ठीक है, सो का मतलब आई होप कि आपको पता चल गया होगा. व्हाट डू यू थिंक, सो का मतलब होता है ऐसा, क्या ऐसा क्यों सोचते हो, व्हाई डू यू थिंक सो. ठीक है, नेक्स्ट वाला देखते हैं यार, क्या सीता वहाँ बैठेगी, बिल सीता शिट दिया. एज यू नो कि ये हमारा फ्यूचर का इनडेफिनिट सेंटेंस है, मतलब सिंपल सेंटेंस है. ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए बिल होगा जो आगे आ जाएगा, दैट इज कॉल आपका इंट्रोगेटिव बन रहा है. ठीक है, बिल सीता शिट दिया, क्या सीता वहाँ बैठेगी. नेक्स्ट वाला देखते हैं यार, तुम्हारे पास मेरी बुक है, यू हैव माई बुक. ठीक है, आप इस तरीके से ही बोल सकते हो कि आप पहले दे दी और अब दे नहीं रहे हो, यू डिडंट रिटर्न माई बुक, ऐसे ही बोल सकते हो आप. ठीक है, नेक्स्ट वाला देखते हैं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, यू मस्ट बी अशर्म. अब कोई इतना गंदा काम कर दिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्लोव्ड हो गए, ब्लोव आपको पता होगा, एलोप नॉट ब्लोव्ड. ठीक है, बी लव्ड भी बोल सकते हो आप, इलोप हो गए, इलोव्ड फॉर एग्जाम्पल, तो एक बहुत गंदा काम हो जाएगा, असहम हो जाएगा. ठीक है, बिकॉज ऐसा करना नहीं चाहिए. ठीक है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, यू मस्ट बी असहम्ड. अब मस्ट बी का आपको पता ही होगा, अगर नहीं है पता, बी के बाद हम असहम की थर्ड फॉर्म लगाते हैं कि आपको तो ऐसा होना ही चाहिए यार, आपको ऐसा करना ही चाहिए. ठीक है, तुम्हें तो शर्म आनी ही चाहिए, यू मस्ट बी असहम्ड. ठीक है, नेक्स्ट वाला देखते हैं, तुम अंग्रेजी सीखोगे, यू विल लर्न इंग्लिश. ऑब्वियसली आप लर्न इंग्लिश सीखोगे, आप यू विल लर्न इंग्लिश बिकॉज यू आर डूइंग एफर्ट्स एवरी डे. ठीक है, नेक्स्ट वाला देखते हैं, क्या तुम होश में हो, आर यू इन योर सेंसेस. सेंस की जगह आप यूज़ कर सकते हो आर यू कंसियस. कंसियस का मतलब होश में. ठीक है, अब होश में, अब देखो, अब यहाँ पे कंसियस, अनकंसियस और सेंस का मतलब बताता हूँ. कंसियस का मतलब होता है कि हाँ, हम ठीक ठाक हैं, हमारी हेल्थ नॉर्मल है. लेकिन अनकंसियस का मतलब होता है कि हमें कोई डिजीनेस, मतलब डिजीनेस आ गए, मतलब चक्कर वक्कर आ गए, तो हम गिर पड़े, तो हमको होश ही नहीं है. फॉर एग्जांपल कोई ड्रंकर है तो उसको होश थोड़ी ना होगा, तो दैट इज़ कॉल्ड अनकंसियस. लेकिन सेंस की बात होती है कि रबिस्टॉक करना. सेंस का मतलब होता है, सेंस का अपोजिट होता है रबिस्टॉक, मतलब कोई रबिस्टॉक कर रहा है. दैट्स वाई हम क्या कर रहे हैं, आर यू इन योर सेंसेस, कि तुम होश भी है, क्या बोल रहे हो, मतलब कोई बकवास करता है तब बोलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट वाला देखते हैं,
क्या तुम दाईं तरफ हो, आर यू ऑन द राइट, आर यू ऑन द राइट, आर यू राइट साइड, ऐसे ही बोल सकते हो। नेक्स्ट वाला देखते हैं, गुब्बारा ऊपर की ओर गया, गुब्बारा ऊपर की ओर गया, जो बलून था बेंट अपवर्ड, अपवर्ड का मतलब होता है ऊपर की ओर, डाउनवर्ड का मतलब होता है नीचे की ओर, ठीक है। एंड साइडवर्ड का मतलब तो आप खुद ही लगा लोगे फिर, ठीक है। भारत अभी नहीं आई है, भारत अभी नहीं है, तो भारत को आप सिंपल भारत बोल सकते हो। वैसे मुझे याद आ नहीं रहा भी, मुझे पता था, बट इट्स ओके कि आप भारत को भारत बोल सकते हो, ठीक है। भारत हैजंट कम इट, हैज़ नॉट कम इट का मतलब है कि अभी नहीं आई है, बिकॉज आप जब भी देखते हो प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट में देखते हो, जब भी आप देखते हो हैज़ नॉट कम, तो हैज़ नॉट कम के बाद वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं रहती, ठीक है, वो वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है। अब कैम की कम की होती है, फर्स्ट फॉर्म कम, देन सेकंड होती है कैम, और थर्ड भी उसकी कम ही होती है। तो दैट्स वाई कि भारत हैज़न्ट कम इट, मतलब भारत अभी तक नहीं आई, आई है, आए हो, आए हैं, आ चुकी है, तो ये सब वहाँ यूज़ होते हैं, हैज़न्ट कम मोर एंड ऑल, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखते हैं, क्या आप स्कूल जा पाए, कुड यू गो टू स्कूल, क्या आप स्कूल जा पाए, जा सके, ठीक है, क्या गए थे, गए थे, ये ठीक है। कुड यू गो टू स्कूल, क्या आप स्कूल गए, क्या आप जा पाए, गए थे। कुड यू, कुड यू का मतलब होता है सकता थे, सके, जा सके, गए थे, गए हो, ठीक है। कुड यू गो टू स्कूल। नेक्स्ट वाला देखते हैं, इस ग्लास को मत तोड़ो, डोंट ब्रेक दिस ग्लास, डोंट ब्रेक दिस ग्लास, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखते हैं, अपने पैरों को घसीटो मत, डोंट ड्रैग, ड्रैग का मतलब आप सिंपल बताओ आपको, ड्रैग का मतलब होता है घसीटना, ठीक है, ठीक है। डोंट ड्रैग योर फीट, फीट का मतलब होता है पैर, आपको पता ही होगा। ठंडा पानी मत पियो, डोंट टेक चाइल्ड वाटर, चाइल्ड वाटर, ठीक है, चाइल्ड वाटर, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला देखते हैं, इस कार से बाहर निकल जाओ, गेट आउट ऑफ दिस कार, गेट आउट फ्रॉम दिस कार ही बोल सकते हो, गेट आउट ऑफ दिस कार ही बोल सकते हो, गेट आउट ऑफ दिस कार, या आप बोल सकते हो इस घर से बाहर निकल जाओ, गेट आउट फ्रॉम दिस हाउस, गेट आउट ऑफ दिस हाउस, तो दोनों यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखते हैं, अपनी घड़ी ठीक करवाओ, गेट योर वॉच रिपेयर्ड, अब गेट योर वॉच रिपेयर्ड, अब ये तो आपको कन्फ्यूज़न लग रहा होगा कि यार ये क्या बोल दिया, गेट का मतलब होता है करवाना, और उसके बाद अगर हम कोई बोलते हैं कि क्या करवाओ भाई, रिपेयर करवाओ, मतलब ठीक करवाओ, तो गेट के बाद हम उसकी थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो गेट रिपेयर्ड मतलब मैंने सही करवाया, गेट रिपेयर्ड मतलब सही करवाया, रिपेयर हो गया, ठीक है। गेट योर वॉच मतलब क्या सही करवाओ, गेट योर वॉच रिपेयर्ड, इसको सही करवाओ, ठीक है। आई होप कि समझ गए आप, उसे मेरी ज़रूरत पड़ सकती है, ही कुड नीड मी, ही कुड नीड मी, ही कुड नीड मी मतलब उसकी पड़ सकती थी, पड़ सकती है। अब ये क्या होता है, कुड ये कैन होता है हमारा, उसकी ये पास्ट फॉर्म होती है कुड, तो इसका कहीं ना कहीं वही मतलब होता है, ठीक है। बट इसमें थोड़ी सी पॉसिबिलिटी जो होती है वो कम हो जाती है, और कुछ नहीं है, ठीक है, ही कुड नीड मी। नेक्स्ट वाला देखते हैं, भाई क्रिकेट खेल रहा है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, एज सिंपल की यार, बहुत इट्स ईजी पीजी, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, उसने झूठों को सजा दी, झूठों को सजा दी, उसने झूठों को नहीं भाई, झूठों को सजा दी, ठीक है। ही पनिश द लायर्स, लायर्स का मतलब होता है झूठे, एक से ज़्यादा, लाई का मतलब होता है एक, झूठ बोलने वाला, ठीक है, यू आर लाई, यू आर लायर, तो यहाँ पे लगाया एल आई ई आर, उसका मतलब होता है लायर, मतलब एक बंदे को, और यहाँ पे लगा दिया एल आई ए आर एस, लायर्स, उसका मतलब होता है कि बहुत सारे बंदे, ठीक है। ही पनिश द लायर्स मतलब झूठों को सजा दी, झूठ बोल रहे थे, ठीक है। भाई फिसल कर गिर गया, ही स्लिप्ड एंड फेल डाउन, फेल डाउन का मतलब होता है फॉल का मतलब होता है गिरना, डाउन का मतलब होता है नीचे, फॉल डाउन मतलब नीचे गिरना, फेल, फेल की, फॉल की क्या है सेकंड फॉर्म है, फेल डाउन मतलब गिर गया, ही स्लिप्ड एंड फेल डाउन, वो स्लिप हुआ और गिर गया। मैं 5 बजे तक घर पर था, आई वॉज एट होम टिल 5। अब टिल एंड टिल का मैंने ऑब्वियसली आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया, अगर आप इस प्लेलिस्ट को कंटिन्यूसली देख रहे हो स्टार्टिंग से, तो मैंने ऑलरेडी कई बार इसको डिस्कस किया है इन डिटेल ऑल्सो विद द एग्जाम्पल, ठीक है। तो बट एक ओवरव्यू देता हूँ, तो टिल का यूज़ हम करते हैं जब कोई टाइम दे दिया जाता है, स्पेसिफिक टाइम दे दिया, एक टाइम लिमिट दे दिया जाता है। बट अगर कोई शर्त या कंडीशन रख दी जाती है, तो वहाँ बंडल का यूज़ कर सकते हैं,
कि मैं जब तक शादी नहीं करूँगा जब तक हर एक बंदा अमीर नहीं हो जाता, तो एक शर्त है ना, ठीक है। अब पता नहीं सब सारे बंदे कब तक अमीर होंगे, ठीक है। तो एक एग्जांपल था, बट ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं है, ठीक है। ही वॉज एट होम टिल 5। नेक्स्ट वाला देखते हैं आप। मैं खेलने का शौकीन हूँ, आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग। सो फॉन्ड का मतलब होता है शौकीन, बहुत ज़्यादा आपको अब उसको लव करते हो आप, उसमें एक तरीके से एक इलेक्ट्रिक टेस्ट जिसे बोलते हैं आप, बहुत इंटरेस्ट हो उसमें, ठीक है। मैं ऊपर की ओर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग अपवर्ड्स। अपवर्ड्स का मतलब होता है मैं ऊपर की ओर जा रहा हूँ। कोई मॉल है, आपका कोई फ्रेंड डाउनवर्ड मतलब फ्लोर पे है और बोल रहा है कि वेयर आर यू, तो आप बोल सकते हो आई एम गोइंग अपवर्ड्स, मैं ऊपर की ओर जा रहा हूँ, यू कैन कम, ठीक है। तो यू कैन ज्वाइन विद मी ऑल्सो, ठीक है। आप इस तरीके से बोल सकते हो, तुम भी मेरे साथ आ जाओ, यू कैन ज्वाइन विद मी, ओके। तो यार आई होप कि आपको जो भी मैंने बताया आपको वो समझ में आया। अगर आया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना प्लीज़, सब्सक्राइब भी कर देना, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल वीडियो देख लेते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते भाई, आपके कोई पैसे वैसे थोड़ी ना लगते यार। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।